आज हम शकुंतला देवी के 5 पजल सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, और आप बताइएगा कि इनमें से कितने आप खुद से सॉल्व कर पाए। एक तालाब है जिसमें एक लिली का फूल है। अब सिचुएशन ये है कि ये लिली का फूल रोज डबल हो जाता है, और इसीलिए लिली को 30 दिन लगते हैं इस तालाब को पूरा भरने में। तो अगर पहले दिन से ही उस तालाब में 2 लिली हों तो तालाब भरने में कितने दिन लगेंगे? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक लिली को 30 दिन लगते हैं तो 2 लिली को 15 दिन लगेंगे ना, वेल, अगर आपने ये बोला तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। हर दिन लिली डबल हो रहे हैं तो मतलब उनका एरिया दुगना हो रहा है, तो 29 डे पे एक लिली आधा तालाब भर रही है। पर क्योंकि अब 2 लिली थे शुरुआत में, तो 29 डे पे दोनों लिली ने पूरा तालाब भर दिया, तो टोटल दिन कितने हुए? 29। तो अजनबी ट्रेन में 7 ट्रैवल कर रहे हैं। टाइम पास करने के इरादे से एक आदमी दूसरे से उसका नाम, उम्र पूछता है। तो लड़का कहता है, मेरा नाम विवेक है और परसों मेरी उम्र थी 19 साल, अगले साल मैं 22 का हो जाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा क्यों कहा विवेक ने? इसका मतलब है कि विवेक आगे जाके पॉलिटिशियन बनेगा, क्योंकि उसे सीधा जवाब देना नहीं आता। और रही उम्र की बात, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो न्यू ईयर पे बात कर रहे हैं, तो परसों पिछला साल था और उसका जन्मदिन 31 दिसंबर को है, तो परसों यानी 30 को उसकी उम्र थी 19, और आज जनवरी 1 को जब वो दोनों बात कर रहे हैं तब वो 20 का है। इस साल के 31 को वो 21 का होगा और अगले साल के एंड तक यानी 31 दिसंबर तक वो 22 का हो जाएगा। एक बार 3 महान कलाकार एक महाराजा की सभा में शामिल हुए। उनकी प्रतिभा को देखकर महाराजा काफी प्रभावित हुए। भेंट में उन्हें 17 हाथी दिए और बोला कि पहले कलाकार को इस पुरस्कार में से आधा मिलेगा, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा मिलेगा। अब आप बताइए कि 17 हाथी को कैसे बांटा जाए? अगर आप सोच रहे हैं कि इनको काट के डिस्प्यूट सेटल कर देते हैं तो पीटा का प्रॉब्लम हो जाएगा, और साथ ही ये मैथमेटिकली थोड़ा पॉसिबल भी नहीं होगा। तो 17 ना ही 2 हिस्सों में बटेगा और ना ही 3 और 9 हिस्सों में। तो कहा जाता है कि वहां से गुजरते हुए एक पंडित ने अपने हाथी को भी इसमें मिला दिया, तो अब टोटल हुए 18, जिसका आधा हुआ 9 जो पहले कलाकार को दे दिया गया, दूसरे को 6 दिए गए और तीसरे को 2। तो इनका टोटल किया जाए तो बनता है 9+6+2 जो कि 17 होता है, और बचा हुआ हाथी पंडित को वापस दे दिया गया, जिसे वो लेकर राम राम कहकर चला गया। पर ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए महाराज के डिवाइड करे गए फ्रैक्शंस को फिर से देखते हैं। आधा, 1/3, 9वां हिस्सा, इन सबको ऐड करें तो कॉमन फैक्टर 18 और न्यूमरेटर बनेगा 9+6+2 17, तो पूरा बना 17/18, जिसका मतलब ये हुआ कि राजा ने पूरा माल डिवाइड ही नहीं किया ढंग से। मैथ्स थोड़ी वीक रही होगी उनकी। तो एक हाथी के ऐड करने से वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है, पंडित ने वो ऐड कर दिया और अंत में फिर उस चीज को वापस भी ले लिया। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा पहले सारे फ्रैक्शंस को ऐड कर लिया करें। एक बार एक व्यापारी के हाथ से 40 किलो का नापने वाला बट्टा गिर के 4 हिस्सों में टूट गया। व्यापारी निराश होकर फेंकने जा रहा था, तभी एक दूसरे व्यापारी जो ये सब देख रहा था बोला कि मेरे पास 31 किलो का एक बट्टा था और एक दिन वो टूट गया। जब मैं उदास हुआ तो मेरे बेटे ने उन सबको नापा और कहा, पिताजी आप 1 से 31 तक कोई भी वजन इन टूटे हुए हिस्सों से नाप सकते हैं। ऐसा करो, इन टुकड़ों को फेंकने से पहले तुम एक बार मेरे बेटे से बात कर लो। और जब व्यापारी उस लड़के के पास गया तो लकीली वो 40 किलो का बट्टा इस तरह से 4 हिस्सों में टूटा कि अब वो व्यापारी 1 से 40 किलो के बीच का कोई भी वजन नाप सकता था। तो अब बताइए कि दोनों व्यापारियों के बट्टे कितने कितने वेट्स में टूटे? हाँ, तो पहले दूसरे व्यापारी का देखते हैं। उसका 31 किलो का 5 हिस्सों में बटा, 31 और 5 कुछ याद आ रहा है, 0, 1, बाइनरी, यहाँ पे 32 = 2^5, मतलब 5 बिट्स में हम 0 से 31 लिख सकते हैं। तो अगर जो टूटे हुए 5 हिस्से हैं वो 5 बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 1 से लेकर 31 में कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ उनमें आपस में कॉम्बिनेशन यूज करके।
तो 5 हिस्से बने 16, 8, 4, 2 और 1 किलो के। अगर 24 किलो नापना है तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 11000, जो कि हुआ 16+8। और वैसे ही 11 को 01011, जो बना 8+2+1। अब बात करते हैं पहले व्यापारी की। यहाँ हमारे पास सिर्फ 4 पीसेज हैं, तो लॉजिकली इसे हम मैक्सिमम 15 मेजरमेंट्स कर सकते हैं, पर 1 से 40 कैसे करें, क्योंकि हम वेट्स दूसरी साइड भी तोल सकते हैं। तो 11 बनाने के लिए 8+2+1 भी हो सकता है, या फिर 8+4-1 भी हो सकता है। तो अब हमारा बाइनरी सिस्टम बनेगा टर्नरी, 3 स्टेट्स का, और वैल्यू हो सकती हैं 1, 0 या -1। यहाँ हम -1 को 1 बार बोलेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। तो हमारे पास 4 पीसेज हैं, मतलब 4 बिट्स, जिनके 3 स्टेट्स हो सकते हैं 1, 0 और 1 बार। तो अब टोटल स्टेट्स हुए 3 by 3 by 3 by 3, जो कि हुआ 81। इसमें 0 भी एक स्टेट है जो हमारे लिए यूजलेस है, तो बचे 80। और इनमें 40 नेगेटिव होंगे और 40 पॉजिटिव बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और हमें नेगेटिव वेट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो बचे कितने 40। आहा, तो 4 बिट्स, हर एक के 3 स्टेट्स, तो वो 4 पीस का वेट कितना होना चाहिए। थोड़ा अर्थमेटिक लगाने से हमें पता चलेगा 1, 3, 9 और 27। बाइनरी में डबल होंगे और टर्नरी में ट्रिपल, और इनका सम बराबर 40। ओके, बैक टू द पजल। तो इसमें हम 24 को कैसे नापेंगे, 1, 0, 1 बार, 0, जो हुआ 27-3। 35 को 1, 1, 0, 1 बार, 27+9-1। ऐसे हम 1 से 40 तक सब मेजर कर सकते हैं। और लास्ट वाला पजल शकुंतला देवी के बुक से, जहां उन्होंने 1=2 प्रूव किया। जी हाँ, आइए देखते हैं कैसे। अज्यूम करिए कि A=B, और दोनों तरफ अगर हम बी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है AB=B². अब दोनों साइड से A² सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसे थोड़ा सा दूसरी तरह से लिखेंगे। अब दोनों साइड को B-A से डिवाइड करेंगे और ये बन जाता है A=B+A। अब अगर A 1 है तो ये हुआ 1=1+1, therefore 1=2। तो क्या ये सही है? क्या आप इस प्रूफ में गलती निकाल सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ, वो है डिवाइडिंग बाय B-A। अगर A=B है तो A-B 0 हुआ, और डिवाइडिंग बाय 0 अलाउड ही नहीं है, तो ये प्रूफ इनवैलिड होता है। ये सब पजल्स शकुंतला देवी के फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर से लिए गए हैं। ऐसे और भी कई ट्रिक्स एंड टिप्स उसमें हैं। अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शकुंतला देवी का बर्थडे ट्रिक वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।